नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि जो कटा हुआ हर एक हेयर है उसका एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जब हम काटना हो तब तो हमें एंगल पता हो तब तो हम काट ही सकते हैं, लेकिन यदि कोई कटा हुआ हेयर हमें दे दिया जाए और उसका एंगल हमें निकालना हो कि उसका हेलिक्स एंगल कितना है, तो उसे किस प्रकार से निकालेंगे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉइंग बनाई है जिसमें ये हेलिकल गियर एक बनाया हुआ है। सपोज कीजिए कि उसकी जो विड्थ है वो ए है और जो उसका इंक्लिनेशन है टूथ का वो बी है। तो हम चाहे तो टॉप पॉइंट से टॉप पॉइंट ले सकते हैं, मिडल पॉइंट से मिडल पॉइंट ले सकते हैं, या बॉटम पॉइंट से बॉटम पॉइंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विड्थ ए आ गई और हेलिक्स जो आ गया वो बी आ गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल बन जाती है जिसका बेस ए परपेंडिकुलर बी और ये एंगल थीटा बन जाता है। तो ये टेन थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो हम लोग ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर कौन बेस, तो बी हमारा परपेंडिकुलर है और ए हमारा बेस है। यदि विड्थ 14 मिलीमीटर हो और बी हमारा 12 मिलीमीटर आए तो हमारा हेलिकल एंगल कितना निकलेगा, तो देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो 12 अपॉन 14 विच इज नियरली इक्वल टू 0.3। तो ये जो वैल्यू निकल कर रही है टेन थीटा इज इक्वल टू 0.3, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.3, तो हमें थीटा निकल जाएगा। थीटा निकालने के लिए हम लोग लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास एक लॉग टेबल रहती है जहाँ पर नेचुरल टेंजेंट हम लोगों को देखना है। नेचुरल टेंजेंट में 0.3 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.3 की वैल्यू 16 डिग्री 42 मिनट आ रही है। तो थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री 42 मिनट। तो इस प्रकार से यदि A 40 और B 12 है तो थीटा हमारा 16 डिग्री 42 मिनट का आ गया। तो ये हमारा हेलिकल एंगल आ गया कि कितने हेलिक्स एंगल पे हम लोगों ने ये टूथ काटा हुआ है, तो 16 डिग्री 42 मिनट आ गया। यदि A 40 और B 12 दिया गया हो तो हमें वैल्यू निकालनी होगी विच इज इक्वल टू 14 डिग्री 2 मिनट। तो हमारा थीटा 14 डिग्री 2 मिनट निकल कर आ गया। इसी प्रकार से यदि A 50 हो और B 10 हो तो उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि A 50 और B 10 मिलीमीटर हो तो थीटा हमारा 11 डिग्री 18 मिनट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग यदि कोई हमें गियर दिया गया हो और उसका हेलिक्स एंगल हमें कैलकुलेट करना हो तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।